गुलसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी या गुलसिता हमारा। होगा युवा एक ऐसी एक पीढ़ी है जो देश को नहीं पूरे विश्व को परिवर्तित कर सकती है, लेकिन टीनेजर में गलती उनकी भी नहीं है। टीनेजर में होता क्या है, अट्रैक्शन पैशन, और वो धीरे धीरे अट्रैक्शन और पैशन कहां बदल जाता है, एडिक्शन। तो वो डायरेक्टली जो लोग हैं इस मसूरी में भी सक्रिय होंगे। मैं आतंकवाद की उनको संज्ञा इसलिए दे रहा हूँ आतंकवादियों की, कि जो दूसरे के बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सकता है तो डायरेक्टली वो हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। रोकने की कोशिश की या सर, सीरियसली सर, हम लोगों का एक ग्रुप था, हम लोग फुटबॉल खेलते थे, तो हमने कितना बोला सर, एक दिन पता क्या हुआ, एक दिन मैच हुआ फुटबॉल का, सो ही वाज प्लेइंग गोल, बट उसकी जब मतलब हालत नहीं हुई, कोई चोट था, वो भी हो गई, तो हम लोगों ने उससे पूछा कि क्या हुआ वगैरह वगैरह, तो उसकी हालत देख के हमने पता लगा लिया। हमने उसको कितना समझाया सर, हमने उसको कितना इमोशनली सर, मतलब वो स्मैक बोलते हैं ना, स्मैक और वगैरह, ये बॉन्ड देहरादून का ये बच्चा, ये सब यहीं का बच्चा, और ये बॉन्ड वगैरह ये सब करता था, तो हमने इसको कितना मतलब उसके डिसएडवांटेजेस बताए, एडवांटेज की पहली बात होते नहीं है। एक लाइन में इनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने सभी दोस्तों को, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए? आई जस्ट वांट टू से दिस दैट स्टॉप इट एंड प्लीज थिंक अबाउट योर मॉम एंड डैड, हाउ दे फील, दे सीरियसली लव यू, बट आई डोंट थिंक सो दैट यू लव देम, यू लव देम सॉरी। अगर आपको सीरियसली उनसे प्यार है तो प्लीज 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 स्टॉप इट, आपकी लाइफ बहुत कीमती है उनके लिए।